आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शाही मटन कोरमे की रेसिपी दिखाएंगे। बहुत जायकेदार बनती है ये। आम तौर पे इसको कोई घर में पार्टी हो, मेहमान आ रहे हो, उस वक्त आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जल्दी भी बन जाती है। इसकी ख़ास बात यह है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है और इसको आप जल्दी ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हमारा एक फेसबुक पेज है, एक इंस्टाग्राम पेज है और एक ट्विटर पेज है। आप उस पर भी जाके हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली हम वीडियोज़ डालते हैं। उससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। हम शाही मटन कोरमा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम आपको बता दें, ये हमने 800 ग्राम के आसपास ये हमारा मटन है, इसको हमने धो के एक छलनी में रखा हुआ है ताकि सारा पानी निकल जाए। 200 ग्राम ये दही है। मसाले जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास, 2 टीस्पून हमने ये लाल मिर्च लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, ये हमें डेसिकेटेड कोकोनट जिसको बुरादा बोलते हैं, सूखा जो नारियल होता है उसको हमने डेसिकेटेड कोकोनट उसको घिस लिया बहुत बारीक, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, नमक हम जायके के हिसाब से डालेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने घी रखा है, बाकी कुछ ये नट्स हैं हमारे पास, इसमें बादाम, काजू और ये मगज़ हैं और इसमें ये चिरौंजी भी है, चिरौंजी जिसको बोलते हैं, चिरौंजी, ये चिरौंजी है। मैं आपको मगज़ भी दिखा देती हूँ, ये मगज़ हैं, तो इसका 1 टीस्पून मैंने मगज़ लिया है और 1 टीस्पून ही मैं खसखस लूँगी जो मैंने अलग से बहुत सारा, क्योंकि ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम पीस के रख लेते हैं, तो इसको मैंने बहुत सारा पीस के रख लिया था, तो इसमें से मैं 1 टीस्पून ही मगज़ लूँ, ये खसखस लूँगी ये मैं, और 1 टीस्पून ही मैंने मगज़ लिए हैं, 1/2 टीस्पून चिरौंजी है, 8-10 बादाम है और 8-10 काजू हैं। तो इन इसका और इसका खसखस का हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने कुकर रख दिया है, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मैं प्याज बताना आपको भूल गई, ये प्याज है, ये 250 ग्राम प्याज है। इसमें खड़े मसालों में जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची, इसके हम बीज निकाल लेंगे, इसका जो बाहर का कवर है इसको हटा देंगे, इसके बीज निकाल लेंगे, 5-6 हरी इलायची है, 7-8 लौंगे हैं, जावित्री है, दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये 3 हमने ये बे लीफ लिया है, तेज़पत्ता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने कुकर रख दिया है, हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम प्याज को डाल के लाल करके इसको हमें निकालना होगा। इसको हम लाल करेंगे और इसको निकाल लेंगे। हमने ये एक वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू ब्राउन अनियंस, आप वो देख सकते हैं कि इसको कैसे करना है, क्योंकि इसके बहुत बारीक माइन्यूट टिप्स हैं इसको लाल करते वक्त हमें जो ध्यान रखने हैं। अगर ज़रा भी ये काला हो जाता है तो जो हमारी हम जो भी सालन बनाते हैं उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप ये उसका वीडियो देख लीजिएगा, इसको हम लाल करके निकाल कर आपको दिखाते हैं। जब तक हमारी प्याज लाल हो रही है, हम इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के या दूध डाल के आप इसको पीस लीजिएगा, दूध भी डाल सकते हैं और इसमें पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं इसको और इसको पीस लेते हैं अच्छे से। तो इसमें हमने ये पीस लिया है बादाम, काजू, खसखस और चिरौंजी जो हमने, और मगज, ये 5 चीजों को हमने एक साथ एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये प्याज हमने लाल करके निकाल ली है, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम कुकर में ये इसी तेल में जिसमें हमने प्याज लाल करी है, इसी में हम ये मटन डाल देते हैं और इसको भून लेंगे अच्छे से। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में डालेंगे, तो बहुत अच्छे से ये भून जाएगा। साथ में हम डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे। हम इसको 5-6 मिनट भूनेंगे, इसकी जो अपनी एक महक होती है लहसुन अदरक की भी और मटन की जो एक महक है वो निकल जाएगी। तो अभी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हम इसको 5-7 मिनट भून लेंगे और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाएगा।
तब इसमें हम बाकी आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। तो 5-7 मिनट इसको हम भूनते हैं अभी। साथ में हम ये तेज पत्ता भी डाल देते हैं और भून लेंगे। इसको मटन को हमने भून लिया है, अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देते हैं। ये धनिया डाल रहे हैं हम, लाल मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी, ये बुरादा डाल रहे हैं हम खोपरे का, और नमक भी डाल देते हैं अभी। और अब इन सब सारे मसालों के साथ हम भून लेंगे और थोड़ा हम दही भी डालेंगे, लेकिन पहले अभी मसाले भून लें उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। थोड़ा सा हम इस वक्त पानी डाल देते हैं मसालों को भूनने के लिए। 4-5 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है और इसके साथ अभी भून लेते हैं। हमने ये अच्छे से भून लिया है इसके मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ये दही डालते हैं। हमने जो 200 ग्राम दही लिया था उसमें से हम ये आधा ही दही लेके इसमें डाल रहे हैं। इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है, अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा ताकि इसमें लम्स निकल जाएं, और इसमें हम डाल देते हैं और इसको मिला देंगे और इसको इसके साथ भी अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको। और 5-7 मिनट इसको हम दोबारा और भूनेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है 5-7 मिनट सारे मसाले और दही के साथ। अब इसको हम गलाने के लिए रख देते हैं। इसको हम 2 विसल देंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं। 1/2 कप पानी डाल के इसको हम गलाएंगे, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो इसमें हमने 1/2 कप के लगभग इसमें पानी डाला है। इसको हम 2 विसल देंगे और इसको फिर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। सिर्फ 2 विसल देंगे हाई फ्लेम पर और फिर 10 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और फिर जब इसको अपने आप ठंडा होने देंगे और इसको फिर हम आपको दिखाते हैं। बाय द टाइम ये होता है, हम अपने जो हमारे जितने भी ये प्याज थी और खड़े मसाले थे इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। सारे खड़े मसाले और हमारी जो प्याज है उसको हम ग्राइंड कर आपको दिखाते हैं। एक तरफ हमारे कुकर में विसल्स लग रही हैं, दूसरी तरफ हम ये जो हमारे नट्स थे जिनको हमने पीस लिया है उनको हम थोड़ा सा घी में भून लेते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है और इसमें जितने भी मैंने वो ग्राइंड किए थे उनको मैं भून लूँगी। फ्लेम मेरी लो है बिल्कुल, ये मैंने पीस लिया था इसको मैं थोड़ा भून लूँगी तो इससे बहुत जायका बढ़ जाएगा भूनने से। हम डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते थे लेकिन भूनने से थोड़ा सा और जायका बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ये भी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है 1 टेबल स्पून और मैं ये भी डाल देती हूँ सारा। तो इस तरह से हमारा सारा इसमें पेस्ट आ गया है। इसको मैं भून लूँगी और अच्छे से इसको आपको मैं भून कर फिर दिखाती हूँ। इसको लगातार चलाना होगा वरना ये जलने लगेगा, क्योंकि इसमें काजू है वो चिपकने लगता है। तो हमें लगातार इसको चलाना होगा लो फ्लेम पर और अच्छे से इसमें कलर भी आ जाएगा भूनने के बाद। ये देखिए ये भुन गया है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, ज़्यादा इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। ये सिमट गया है, इसमें देखिए चिपकने लगा है, तो इससे मतलब चल गया ये कि हमारा भुन गया है, क्योंकि सारा इसे लिपट कर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा भुन गया है। इसको हम अब इसकी फ्लेम को अब ऑफ कर देते हैं और अब हम कुकर को खोल कर देख लेते हैं कि वो हमारा मटन गला है कि नहीं गला है। इसको हम ऑफ कर देते हैं। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, इसको भूनने की वजह से पूरा घर महक गया इसकी वजह से। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। अब हमने इसकी जो बड़ी इलायची थी उसको छील के उसके दाने निकाल लिए हैं। इसको हम हटा देते हैं और इन सबको भी अब पीस लेंगे सारे मसाले। इसके अंदर हम बड़े जार हमने ले लिया है, इसमें सारे हमने खड़े मसाले डाल दिए। इसमें ये प्याज डाल देंगे हम, और इसमें हम दही भी डाल देंगे अच्छे से, फिर ये ग्राइंड हो जाएगा। इसको हम बंद कर लेते हैं और इसको हम ग्राइंड कर आपको दिखाते हैं। अच्छे से इसको बंद कर लीजिए और हम इसको पीस लेते हैं।
ये भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम कुकर को खोल कर देख लेते हैं। कुकर अब हम खोल कर देख लेते हैं। हम देख लेते हैं पहले कि हमारा ये मटन गला है कि नहीं गला है, वरना इसको फिर और गलाना पड़ेगा। एक हम पीस लेके देख लेते हैं। हमने ये कटोरी ले ली है, ये दही की कटोरी थी, इसी में हम पानी लेके इसको ठंडा हो जाए तो उसमें देख लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से ये गल गया है, तो देखिए हाँ आराम से बोटी टूट गई है। अभी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। हमने जो नट्स का पेस्ट जो हमने बनाया था उसको भुना था, इसके अंदर हम डाल देते हैं। और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें हम जो हमने प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया है वो भी इसके अंदर डालेंगे। सारे खड़े मसाले थे उसमें, लाल प्याज थी और उसमें दही था, उसका भी एक पेस्ट बना लिया था तो वो भी हम डालेंगे। लेकिन 2-3 मिनट इसके साथ पहले हम भून लें तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था, प्याज, खड़े मसाले और दही, ये भी हम डाल देते हैं इसमें। हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, हम आपको बताना भूल गए थे। ये हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, हम इसको अब डाल रहे हैं इसमें, तो इससे ये कलर आता है। इसमें मिर्च नहीं होती है, इससे सिर्फ कलर आता है। तो हम ये डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे सारे मसाले को। हमारा मटन गल चुका है, बस अब हम इसके सारे मसालों के साथ भूनना है और हमारा ये तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी 5-7 मिनट इसको हम लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, इसको पकने देते हैं, उसको बीच बीच में चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। हमारा शाही मटन कोरमा तैयार हो गया है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। हमने इसका नमक चख लिया है, थोड़ा सा कम था तो इस स्टेज पे हमने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। तो सर्व करने से पहले आप इसको एक बार नमक ज़रूर चख लीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। हमारा शाही मटन कोरमा तैयार है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका या तो पॉपअप आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन बार में आपको उसको दिख जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड किया है। तो आप जब भी चाहें ताकि उससे ये होगा कि आपका कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं होगा। तो अगर आपको कोई फीडबैक देना हो या कोई सजेशंस हो या आपको कुछ कमेंट्स देने हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका ज़रूर जवाब देंगे। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।